राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण छठा विश्राम से आगे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हु निसिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा कुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कही न सकै रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वागे बिरंची के लोका। संग गोतनु धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय सोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। धरनी धरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना, इस प्रकार के धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानी देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई, जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए भी उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा भी कुछ वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करी पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेही रीति। तही समाज गिरि जा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिसि विदिशि हु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सुनि बिरंचि मन हर्षतन, पुलकि नयन बहनीर। अस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक। प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी। जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालन सुर धरनी
अद्भुत करनी मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करे अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटबासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसिबासर ध्यावहि गुन गन गावहि जयति सचिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा, सो करौं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकहुं को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे द्रवों सु श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानी सवै सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, जय जय सुरनायक, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे को ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्ष दाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी या सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न तो भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं,
हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती जी, वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ